दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक साउंड कार्ड की, और साथ में करेंगे इसका एक ऑडियो टेस्ट। और इस साउंड कार्ड को मैंने बाय किया है अमेज़ॉन इंडिया वेबसाइट से। तो चलिए जल्दी से आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लीजिए, किस तरह का आपको यह साउंड कार्ड और इसकी पैकेजिंग मिलेगी। और आपको बता दूं दोस्तों कि इस साउंड कार्ड को मैंने बाय किया है सिर्फ 200 रुपये में, और अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह का आपको ये पैकेज मिलेगा साउंड कार्ड का। और ये एक USB साउंड कार्ड है, बहुत ही फेमस साउंड कार्ड है दोस्तों। ये अमेज़ॉन इंडिया पे काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ आए हुए थे, तो मैंने आपके लिए ये साउंड कार्ड बाय किया। और आज मैं इसका एक ऑडियो टेस्ट भी करके दिखाऊंगा अपने BM800 माइक्रोफोन के साथ में वीडियो के एंड में, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि ये माइक्रो साउंड कार्ड अगर यूज़ करते हैं हम अपने माइक्रोफोन के साथ में कि तो किस तरह की इसकी आउटपुट मिलती है, और साउंड कार्ड लेने का बेनिफिट है या फिर नहीं। तो पहले आप यहाँ पर साउंड कार्ड देख लीजिए, ये साउंड कार्ड काफ़ी लाइट वेट है, और देखने में आप देख लीजिए काफ़ी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ दो बटन्स दिए गए हैं, एक है अगर आप माइक्रोफोन को म्यूट करना चाहेंगे, और दूसरा है अगर आप स्पीकर्स को म्यूट करना चाहेंगे। और पीछे की तरफ यहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं दी गई है, सिर्फ आगे की तरफ भी 7.1 चैनल साउंड लिखा गया है, और कोई भी ब्रांड का नाम नहीं दिया गया है। और नीचे यहाँ पर आपको दो पोर्ट्स मिलेंगे, जिनमें से एक में आप स्पीकर लगा सकते हैं और दूसरे में अपना माइक्रोफोन लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्पीकर्स की जगह हेडफोन्स भी लगा सकते हैं एक पोर्ट में। और ये बटन दिए गए हैं जो कि वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये बटन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो जल्दी से इसे हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह की है, और क्या ये एक प्लग एंड प्ले है या फिर नहीं। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसे अपने कंप्यूटर में लगाया तो यहाँ पर एक लाइट जो है एक इंडिकेशन ऑन हो गई, और वहीं दूसरी तरफ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स इंस्टॉल होने शुरू हो गए हैं इस साउंड कार्ड के। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, सिर्फ 2 से 3 मिनट लिए हैं, और ये देख लीजिए सारे ड्राइवर्स इसने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लिए हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे साउंड टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये ऑडियो मेरे BM800 माइक्रोफोन से आ रही है, और ये मैंने डायरेक्टली प्लग किया है अपने कंप्यूटर में, और अभी जो है कोई भी साउंड कार्ड नहीं यूज़ हो रहा, और इसके बाद की जो आप ऑडियो सुनेंगे वो इस साउंड कार्ड के थ्रू आएगी। तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये सुन रहे हैं आप मेरे BM800 माइक्रोफोन से, और इसे मैंने अटैच किया है साउंड कार्ड के थ्रू अपने कंप्यूटर में। तो आप इस ऑडियो को सुनिए और आप हमें बताइए कि साउंड कार्ड को यूज़ करने से ऑडियो में कितना फ़र्क पड़ा है, और अगर आप इसे यूज़ करते हैं साउंड कार्ड को अपने माइक्रोफोन्स के साथ में तो क्या इसका बेनिफिट है या फिर नहीं। और आपको बता दूं दोस्तों, ये दोनों ही ऑडियो क्लिप्स जो हैं बिल्कुल नॉन एडिटेड हैं, इनमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। अगर आप इसे एडिटिंग करेंगे तो आप इससे ऑडियो क्वालिटी को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे आप लाइक करना शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए टेक ट्यूशंस। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।